सब, आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। ये वर्ड आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना, भले चंगे होंगे। और आज है दिन थर्सडे, रामनवमी है आज, आज नवरात का लास्ट डे है। अभी मैं साड़ी कौन सी पहनी है ये देखिए, ये मैंने संक्रांत में और दिवाली में भी पहनी थी। ये देखने में साड़ी सुंदर लगती लेकिन बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और अब मैं जा रही हूँ हलवा और चना बनाने के लिए, क्योंकि नवमी में चने और हलवा चढ़ता है। तो यहाँ पर मैं और अयान दोनों लोग आ गए हैं अब किचन में काम करने के लिए। दोनों लोग हाथ बटा के मिल बांट के काम कर लेंगे तो काम जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे चने बॉईल हो गए हैं, पहले ही रख गई थी मैं बॉईल करने के लिए। दो सीटी मैंने इसमें लगा दी है और जब रेस्ट हो गई है सीटी तब इनको निकाला है। और ये देखिए, पहले ऊपर स्लिप में रखी है गाड़ी, फिर सिंक में फेंक दी है। इसके पापा कह रहे हैं गाड़ी इन्फेक्टेड हो गई है तो धुलने के लिए डाली है। ये हर एक चीज़ जो भी लाता है उसको पता है कि किचन की सिंक में धोती है, तो घर का सारा सामान उठा उठा के ला के सिंक में ही डालते हैं। और यहाँ चनों के लिए मैंने थोड़े थोड़े से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक सबको साथ में डाल के कटोरी में थोड़े से पानी का घोल बना लिया था। और फिर मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है, जब अच्छे से तेल गरम हो गया है तो इसमें जीरा डाला है और ये घुले हुए मसाले डाल दिए। और आप सोचेंगे घोल के क्यों डाले हैं मसाले, तो घोल के डालने से ये मसाले जलते नहीं हैं और चनों में इसकी एक अच्छे से कोटिंग हो जाती है। ये देखिए चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और इसमें मसाले बहुत अच्छे से चढ़ जाते हैं, जो कि सूखे मसाले इतने अच्छे से नहीं चढ़ पाते हैं। बस इनको अच्छे से मिला के थोड़ी देर चलाने के बाद ढक दिया है धीमी आंच पे। सबसे हेलो बोलो, कल सब लोग पूछ रहे थे अयान नहीं आया है, अयान बात नहीं करता है किसी से। ये देखो हेलो बोलो सबसे, हेलो। ये लड़का बहुत खराब हो गया, ऐसे मत पूछा करो। अब देखो खेलने में इतना मस्त है। हेलो बोलो सबसे, कल सब लोग पूछ रहे थे अयान कहाँ है, अयान कहाँ है, मेरी रबड़ पा गया है। ये देखो और यहाँ पे सूजी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है लगभग 3 से 4 चम्मच भर के घी। और जब घी अच्छे से गर्म हो गया है तब मैंने इसमें डाल दी है एक छोटी कटोरी भर के सूजी। और सूजी डालने के बाद इसको लगातार चलाती रहूँगी ताकि सूजी एक जैसी सभी तरफ से भुन जाए। अगर सूजी लगातार नहीं चलाते हैं तो कहीं इसका डार्क कलर कहीं हल्का कलर हो जाता है। और जब सूजी अच्छे से भुन गई है, इसमें जब बहुत अच्छे से सूजी भुन जाती है तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है, सौंधी सौंधी। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है लगभग 3.5 कटोरी भर के पानी और साथ में चीनी डाल दी है और चला दिया है अच्छे से। और यहाँ पे मेरे चने भी तैयार हो गए हैं, मैंने इसमें डाल दी है धनिया की पत्ती। और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, इस खुशी का इंतज़ार मैं कब से कर रही थी, साल भर से कर रही थी, फाइनली आज जाके मुझे वो खुशी मिली है। सबको रहता है इस खुशी का इंतज़ार। तो और यहाँ हलवा तैयार हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट, कटे हुए मेवे, ये सब डाल दिया है। और आज अयान के पापा ने सुबह सुबह कौन सा काम किया था ये भी देख लीजिए, आज ये वाला काम इन्होंने मेरा काम कर दिया है। ये बता रहे हैं कि कैसे टाइम स्पेंड करना है, एक एक सब्जी धुलने में लगे हुए हैं। ये सब्जी जो बाजार से लेके आए थे आज इन्होंने धुली है हल्दी और गर्म पानी से सारी। तो यहाँ ये देखो, वहाँ पे उनके पापा एक एक सब्जी घंटों धुलने में लगे हुए हैं और यहाँ पे बेटे ने पूरे टेडी बियर को फाड़ के अलग अलग उसका पूरा मटेरियल निकाल के फेंक दिया है। किचन में हाथ बटवाना तो बहुत दूर की बात है, ये काम इसके रहते हैं। तो जब इन्होंने हल्दी के पानी से सब्जियों को धुल दिया है, उसके बाद मैंने इनको अच्छे से एक पानी से और धुल के सूखने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे जो चने और हलवा है इनको मैंने बाउल में पलट लिया है कढ़ाइयों से ताकि कढ़ाई खाली हो जाए, और इनको ऊपर रख दिया है किचन में दूर, क्योंकि ये पूजा का सामान है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है तो इसकी बना लूँगी मैं अठवाई। तो यहाँ पे मैं बेल ले रही हूँ फटाफट से, नंदिनी भी आ गई है, नंदिनी मेरी हेल्प कर दे रही है और मैं सेकती जा रही हूँ, नंदिनी बेलती जा रही है। और
और ये देखिए नंदिनी की पूड़ियाँ एकदम एक साइज की गोल गोल गिलास से काट के बनाई है। मेरी तो कैसी भी आड़ी टेढ़ी बनती रहती है, लेकिन इसने बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनाई है। देखिए एक एक कितनी सुंदर लग रही है, गोल गोल सी ऐसे लग रहे हैं गोलगप्पे की तरह, जैसे गोलगप्पे होते हैं गोल गोल। मेरा काम ये रहता है कि कौन सा कोई देख रहा है घर पे जल्दी से बना लो, क्योंकि इतने काम रहते हैं, लेकिन इसने बड़े अच्छे से बनाई है। नंदिनी की पूड़ियों के लिए एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा ली है, हलवा चना पूड़ियाँ। जैसे जैसे मेरी मम्मी जी सासू माँ करती हैं नौमी पूजन, हवन पूजन, घी से हवन करती हैं, लौंग कपूर ये सब जो जो वो करती हैं, वो मैंने सब जैसा जैसा देखा है, जैसा वो मेरे को बताया करती थी साथ में पूजा में, वैसा वैसा मैंने सब कुछ कर दिया है। कल मेरा अष्टमी का पूजन किया था मैंने, जो कि मायके में होता है और ससुराल में होता है नौमी पूजन, तो वो सब जितना मुझे आता था मैंने कर लिया है, जितना मुझसे बना है, बाकी भूल चूक भगवान माफ़ करते हैं। बस हमें दिल से अच्छा होना चाहिए, कभी किसी का गलत नहीं सोचना चाहिए, जो बने बन पड़े उतना कर लो। और यहाँ पे खाने में मैं बनाने जा रही हूँ मट्ठे के आलू। तो ये है मेरा हैंड ब्लेंडर, अच्छा काम आ रहा है मेरे। तो मैंने दही को चला लिया है हैंड ब्लेंडर से और बाकी की बची हुई पूरियाँ बना के रख ली हैं मैंने। और यहाँ पे मट्ठे के आलू के लिए मैंने वही हींग, जीरा, मेथी, इनका तड़का लगाया है। थोड़ा सा तेल पड़ता है, सब्जी में तेल कम डाला जाता है। और उसके बाद मैं भर के चम्मच डाल दूंगी इसमें हल्दी, क्योंकि कलर अच्छा आएगा तभी तो खाने में अच्छी लगेगी। और मट्ठे के आलू हो या कढ़ी हो, इनका कलर देखने में अच्छा होना चाहिए। और जब हल्दी अच्छे से पक गई है तब मैंने इसमें डाल दिए मैश किए हुए आलू, और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल दूंगी ये चलाया हुआ दही। एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डाला फिर चलाया, फिर थोड़ा सा डाला फिर चलाया, ऐसे करके सारा दही डाल दिया है मैंने। और उसके बाद इसको बॉईल आने तक पकाऊंगी, मतलब चलाती रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। और वैसे इस मट्ठे में अगर थोड़ा सा बेसन मिला दो तो फिर सब्जी फटने का डर कम हो जाता है, लेकिन बेसन अभी मैंने पीसा नहीं है। और जैसे ही सब्जी खोलने लगी है मैंने वैसे इसमें फटाफट से सारे मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, वही मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये सब डाल दिया है। और बस हो गया इसका काम, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, धीमी आंच में पकती रहेगी। और यहाँ पे रख दे रही हूँ मैं साथ में चावल। तो चावल मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालती हूँ, आपने देखा होगा कई बार टोका है तो इसलिए डाल देती हूँ, क्योंकि गीले चावल पसंद करते हैं सब लोग। और इसमें से थोड़ा सा दो चार को और अयान को भी खिला देती हूँ, तो वो सूखे चावल नहीं खा पाएगा, तो इसलिए ऐसा करती हूँ मैं। और यहाँ पे तैयार हो गई है हमारी सब्जी, ये देखिए पकने के बाद काफ़ी कम रह गई है और बहुत ही यम्मी दिख रही है, और मट्ठे के आलू वास्तव में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये लग गया है हमारा खाना, सब्जी चावल पूड़ी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है सब्जी चावल पूड़ी का, लेकिन इनको चावल सब्जी खानी थी इसलिए मैंने बनाई है, और हलवा पूड़ी तो बनानी थी। और आयान के पापा पूछ रहे हैं भाई आज खाने के लिए सब लोग आ जाइए, और कह रहे हैं कैमरे में से मेरा सारा खाना खा लिया और मेरी थाली खाली हो गई सबने। ये कुछ नहीं, इनका मजाक हर समय सूझता रहता है, हर समय इनका मजाक ही मूड रहता है। और यहाँ पे खाने वाने के बाद मैंने साड़ी चेंज कर ली है, क्योंकि साड़ी ख़राब हो जाती है काम करते टाइम। और यहाँ पे मैं बर्तन, वैसे रोज़ वाली साड़ी होती तो फिर मैं पहने रहती, लेकिन सफाई में वो ख़राब हो जाती। और सब कुछ करने के बाद अब ये शाम को मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। और ये देखिए गाड़ी रखने के बाद कैसे कुर्सी में बैठते बनेगा, और नहीं बन रहा है तो पटक दिया, चिल्ला रहे हैं, इसका ये चलता रहता है सारा दिन। और इसको ये नहीं दे, और आप झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू नहीं लगाने देगा, खुद उठा के लगाने लगेगा। ये देखो तो पापा को जाके परेशान नहीं करता है, पापा इसके घर पे ही हैं, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। तो यहाँ पे बन गई है शाम वाली चाय, चाय के साथ में चने, चने रखे हुए थे तो मैंने कहा चाय के साथ में ही खप जाएंगे, रखे क्यों रह जाइए। तो आप लोग भी आ जाइए चाय के लिए, और आज इनका डांस भी आपको देखने को मिलेगा, आज इन्होंने डांस किया है बहुत अच्छा। और खुशखबरी मेरे लिए ये है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, 1 लाख फैमिली हमारी काफ़ी दिन पहले हो गई थी, लेकिन मेरा प्ले बटन जो होता है ना, सिल्वर प्ले बटन, जो यूट्यूब की तरफ से एक अवार्ड मिलता है 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे, तो वो नहीं मिला था। तो हमने अभी कुछ दिन पहले मेल किया यूट्यूब को, तो वहाँ से फिर हमारे पास आज रिप्लाई आया है कि
कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर हमारा सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। और इसका कब से मैं इंतज़ार कर रही थी, कब से कर रही थी, जब 1 लाख हमारी फैमिली हो गई पूरी कंप्लीट, फिर सोचा कि अब आ जाएगा। और उससे पहले सोचा करती थी कि काश मेरी हमारी फैमिली भी 1 लाख की हो जाएगी। और इसमें आप सब लोगों का पूर्ण सहयोग है, तो इसलिए आप लोगों को तो सबसे पहले थैंक यू बनता है। क्रो कैसे करता है? क्रो अयन, क्रो कैसे करता है? कौवा कैसे बोलता है बता दो? को 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 को। और देवासरी गणेशा डांस कैसे करते हैं? कैसे डांस करते हैं? देवासरी गणेशा ऐसे करता है, हाथ जोड़ के ऊपर तक उठाता है, फिर डांस करते हैं। कैसे डांस करते हैं देख लेंगे। नीचे पोछा लगा रहे हो पापा के कपड़ों से? पापा के कपड़ों से नहीं पोछा लगाते हैं। सब लोगों का खाना पीना हो गया है, सबकी सोने की तैयारी हो रही है। ये नहीं सोएगा, ये मेरे को बहुत सता रहा है आजकल। मैं क्या करूं, दिन में खूब सोता है, पूरी नींद कर लेता है अपनी, और रात भर ढूंढता है सामान इधर उधर इधर उधर, सोता नहीं है। बोलो सबको गुड नाइट। देखो ये बाहर है, बालकनी में है, ये मेरे साथ में ही है, काम करवाने आया, कपड़े डलवाने आया है। नहीं करेंगे ना? अच्छा देवा श्री गणेशा दिखा दो, सबको दिखा दो। देवा श्री गणेशा डांस करके दिखाओ। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, कर दो कंगी। यहाँ भी कर दो, कैमरे में भी सबकी कंगी कर दो। लो सबकी कंगी कर दो, कैमरे में भी सबकी कंगी कर दो, मेरी अकेले ना करो। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, यही बोलते हैं बाय बाय। क्या तो मैं सोऊंगा, निन्नी करूंगा। और आज का वीडियो अयान के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, देखिए लाइक करना मत छोड़िएगा। अयान ने कौवे की आवाज बताई है और देवा श्री गणेशा डांस दिखाया है। अब मैं देखता हूँ कौन कौन मुझे लाइक करता है, कौन नहीं करता है। मैं कल से नहीं आऊंगा, लाइक नहीं किया तो बोल दो। कल से नहीं आऊंगा, बोल गया अपनी भाषा में, लाइक कर देना मुझे। तो चलिए बाय बाय बोलती हूँ, गुड नाइट बोलती हूँ इस वीडियो से। मिलती हूँ अपने नए अच्छे से वीडियो के साथ में, ब्लॉग के साथ में। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।